Okay. So let's go to the second part of the solution. Okay. So basically, I'm going to question start it. I think question number 94. जोटा के हमें पे सॉल्यूशन करते हैं चे, सो देखते हो, सो बेसिकल देखे चे स्क्वायर मेटल वेयर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू ए 3 ओम रेजिस्टर, द लूप इज मूव्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सच दैट ए स्टैटिक करंट 2 मिली एम्पीयर इज मेंटेन्ड इन द सर्किट. ओके. So, if the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop, find the velocity with which the loop is introduced to the field. So, basically, it comes from the topic motional EMF. So, basically, we see how the flux change. When we move the metal wire, let the flux the changes verify. The phi, that is B, is the magnetic field induction. L la tamo jo length of the metal wire ko move karucho, x la tame kete distance bhitaru ko move karucho. Okay, so ame that is if jodi phi hela b lx tale ame emf ta kete hejibo simply basically d phi by dt or bl ko bahar rakh dele that is dx by dt. Dx by dt is nothing but the velocity ame ka likh pariba blv. So basically motional emf is nothing but the magnetic field induction, length of the conductor and the velocity with which the conductor is moving. Then kete current induce hoba, basically I equal to simply E by R, so that is BLV by R. Okay, then tamu kon kon given deichi dekho, current tamu given deichi 2 into 10 to the power minus 3, that is 2 milliampere, 2 into 10 to the power minus 3 ampere. Then tamu ko B deichi 2, L deichi tamu ko 20 centimeter. ताकु तमे कन्वर्ट कर दब मीटर रे दैट इज 0.2 तमको काढिया रछि वेलोसिटी राइट. सो वेलोसिटी को तमे रखि दब आज यूजुअल वी आर तमो दे छि 2 ओम इज कनेक्टेड विथ अ 3 ओम रेजिस्टर बट इन दिस केस मन तमे जदि मोशनल एम देखिबो जो दिटा 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टर देखिबो दे आर कनेक्टेड बेसिकली तमे जदि देखिबो चाहिबो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज 2 ओम और 3 ओम को मिसे के हम कोन कर दे परबा 5 ओम मेंशन कर दे परबा. ओके, तो ये जो हमें सॉल्व करिबा वेलोसिटी रे वैल्यू तो बेसिकली कौन आबो ना 2 into 10 to the power minus 3 into 5 divided by 2 into 0.2 जदे आपको तो हमें सॉल्व करिबो तो बेसिकली तो वैल्यू कम आसीबो 0.025 मीटर पर सेकंड और ताको जदे हमें सेंटीमीटर रे कन्वर्ट करिबा दैट इज बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो आउट ऑफ द ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ए क्वेश्चन हमें छाड़ितले रास्ता सो हम एटा सॉल्व कर देले. नेक्स्ट जे पावे नो पको. ओके, द क्वेश्चन इज 102. व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 6 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स ए वुडन ब्लॉक अप टू 5 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स इंपोज्ड बाय अ बुलेट ऑन अ ब्लॉक. तो बेसिकल तमु देची बुलेट रो मास दे देची तमु को 6 ग्राम. ओके, आ तमु को दे देची वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड. क्लियर. देखो तो हम केते पढिबो, देखो फोर्स इक्वल टू बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन. तमु को एठी एक्सेलरेशन डायरेक्ट गिवन नाही, वेलोसिटी बाय टाइम रख दे पर एक्सेलरेशन को ए तमु को डायरेक्ट वेलोसिटी देची बट तमु को काढिया रखण अछि, तमु को टाइम भी डायरेक्ट देइनी तो तुमको इनडायरेक्ट वे काढिया पड़िबो. तो वेलोसिटी टाइम टा कोन हमरा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो द डिस्टेंस हम एक्स नबा जति के भीतर बस छ वेलोसिटी को भी नबा त टी जगह रे एक्स बाय वी पके दे परबा. तो ए जगह हम कोन पद पे वी बाय टी टी जगह हम पके दे परबा एक्स बाय वी. तो बेसिकली इट आस्छिबो वी स्क्वायर बाय एक्स. एबे हम को वी जणा छ और एक्स जणा छ हम एक्सेलरेशन काढि परबा. तो वी जगह पके दे 120 स्क्वायर सेंटीमीटर सब अछि मीटर अछि 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकंड र 120 र अछि एटा को सेंटीमीटर जुडा अछि 5 सेंटीमीटर एक्स ताको मीटर रे कन्वर्ट कर दियो 5 * 10 टू द माइनस 2 आको जे तमे सॉल्व करिवो त वैल्यू सॉल्व लेके आसीबो दैट इज अराउंड 288 * 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ व्हाट इज फोर्स. f इक्वल टू बेसिकली मास * एक्सेलरेशन. मास तमको अच्छी 6 ग्राम दैट इज 6 * 10 टू द माइनस 3 केजी मल्टीप्लाइड विद 288 * 10 टू द पावर 3
acceleration jaha acceleration solve karibo value asibo 728 newton that's it. So out of the option option B is correct 1728 which of the following phenomena is responsible for the soap bubble to appear color when white light falls on it the basically एटा तुम्हारा तो जहाँ भी तुम सोप बबल कलर फॉर्मेशन होती ड्यू टू द वेब फ्रंट इंटरफेरेंस डिफरेंट डिफरेंट तुम वेब फ्रंट जब तुम डिविजन वाला वेब फ्रंट जब इंटरफेयर करते केस तुम कलर आसे ठीक अच्छे जो वेब ट्रावेल कर इन द फॉर्म ऑफ वेब फ्रंट इन साइड द सोप बबल हाँ से कलर कर तो बेसिकली आम कहीपर इट इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस बाय द डिविजन ऑफ वेब फ्रंट मैंने डिवाइड होकर इंटरफेयर होता कारण तुमको बहुत सारा कलर देखा हुए सो आउट ऑफ द ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट ओके व्हाट विल बी द एंगल ऑफ पेनियम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म दैट हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री तो बेसिकली वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू बेसिकली साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू बाय साइन ए बाय टू वेर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इन जनरली वी राइट एट ए इज 60 डिग्री ओके सो द वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवेन दैट इज रूट टू द वैल्यू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू देन तुम रिफ्रैक्टिंग एंगल तुमको देखिए ओके तो बेसिकली तुम ए तो 60 डिग्री तो तुम साइन 60/2 करदे रिफ्रैक्टिंग आंगेल तुम पाइव साइन 60/2 यहाँ तुम 60 फॉर्मूला जहाँ जहाँ पकईदे तो ये केसिकली रूट टू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू साइन 60/2 जगह साइन 30 साइन 30 वैल्यू के 1/2 1/2 एपटे आस मल्टीप्लाई गले कैसे तो बेसिकली एटा आसी 1/2 इंटू रुट टू हो 1/2 इंटू रुट टूटा कौन आस बेसिकली 1/√2 1/√2 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू तो कहार वैल्यू 1/√2 साइन 45 रो साइन 45 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू आगे जब दुटा साइड साइन एलिमिनेट कर बेसिकली 45 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय टू और 90 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ए इज 60 डिग्री तो डेल्टा एम कले के 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू सिंपली 30 डिग्री सो आउट ऑफ द ऑप्शन द 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर यूज इन हाई स्पीड कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट वर्क रिफ्लेक्शन इफेक्ट केयर इफेक्ट पार्ड इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट बेसिकली तुम जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेक्टर था चाहे फिर तुम इलेक्ट्रिक ऑप्टिक्स जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स जहाँ कौच तो सही केस तुम कौन हो डबल रिफ्रैक्शन थ्रू रु तुम बहुत सारा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन हुए ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट हुए से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बदल तुम जो ट्रांसवर्स वेव था लाइट्र ट्रांसवर्स वेव था हाँ से मैंने कौन करती ना इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेक्टर भाई हाई स्पीड कैमेरा कैमेरा वर्किंग रे हेल्पफुल कर था तो ये जो इफेक्टा तुम बेसिकली जो था गोटे केयर इफेक्ट तो केयर इफेक्टा कौन हुए ना इंड्यूसमेंट ऑफ द डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन ए डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर्स टू द बीम ऑफ लाइट तो ये क्लेसटा तुम जो ये इफेक्टा ही हेल्प करे तुम कहापी ना हाई स्पीड कैमेरार फंक्शन ठीक अच्छे तो आउट ऑफ द ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज केयर इफेक्ट ओके तो इट्स अ थियोरेटिकल कन्सेप्ट तुम जानते ही ऑप्शन क्लिक कर एल्स ना द केयर इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम शोज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ रेस्ट ऑफ द मेटेरियल पैरामीटर इज सेम एज द कॉलम मेंशन एज अबव कॉलम विथ बोथ एंड हिंज कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स्ड एंड कॉलम विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर तो बेसिकली तुम कैंटिलीवर फर्स्ट 11th रे पढ़ तो सबुठ स्ट्रेंथ कहार अधिक था जो तुम गोटे कैंटिलीवर तुम दीटा एंड को तुम जब फिक्स्ड कर दीटा एंड को फिक्स रखी तो से केस तुम स्ट्रेंथटा सब मैक्सिमम थाए आउट ऑफ द 4 ऑप्शन तुम करेक्ट ऑप्शन है तुम दीटा एंड जब फिक्स थी कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स गोटे एंड हिंज तुम लाइक
नट बोल्ट देच गोटे फ्री रखिच गोटे फ्री गोटे हिंस गोटे फिक्स गोटे फ्री कोटा भी तुम स्ट्रेंथ अधिक हेबना सब मैक्सीम स्ट्रेंथ रोज जदि आम दुटा एंड को फिक्स कर सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ability of the material to absorb energy when deformed elastically and to return it when unloaded is called basically it's a term is known as resilience jaha bhi amon likha hai the ability of the material to absorb energy when deformed elastically and to return it when unloaded is called basically resilience so option b is correct two beam a and b made up of same material have the same mass length density beam A has a square cross section while beam B has circular cross section find the ratio of depression the beam A and B under the equal loading condition okay it's a very very important question cantilever was che tom very very important question to basically tamara kete deflection hobo gote beam ro ta pa gote formula thae delta equal to w l cube by 3 yi tom gote odi jinsa koi douche w is the load L is the length of the beam, Y is the Young's modulus, I is the moment of inertia. Okay? So basically, तो कहाँ कहाँ भीतर देखिए square beam और तो circular beam. तो moment of inertia of square beam वहाँ से तो हमारे कहते हैं ना basically B 4/12, where B is the width or breadth जहाँ भी तो हमें नहीं पारी बो, because square और deeper side समान थे. Okay? B को breadth नहीं पारी बो, length नहीं पारी बो. It's up to you. And for circular, MI मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और सर्कुलर बीम इज कमिंग टू बी पाई आर फोर्थ बाय फोर ओके सब फॉर्मूला वाला मन रखिबो तो जब हमें इना डेल्टा वन और डेल्टा टू करवा माने क्रॉस सेक्शन फॉर द स्क्वायर बीम टू द सर्कुलर बीम तो मैं डेल्टा वन टा केते हेजबो डेल्टा वन टा जदि हमें नवा सर्कुलर पई तो डेल्टा वन टा केते हेजबो बेसिकली डब्ल्यू एल क्यू by 3y okay b4 by 12 aur jab solve kole basically kon hejibo 12 by b4 w lq by 3y okay eta gote asibo delta 1 semte delta 2 ta kon asibo I jagah hum pakouchi I jagah to value pakai tumhe solve kocho semte similar delta 2 ta asibo just like me jemti kali 4 by pi ओके फोर बाय पाई आर फोर्थ डब्ल्यू एल क्यू बाय थ्री वाई एबे जदि आमे ए इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू को डिवाइड कर दबा ताले आमे कौन पाइबा सिंपली डेल्टा वन बाय डेल्टा टू इक्वल टू थ्री पाई आर फोर्थ ओके बाय बी फोर्थ ना बेसिकली व्हाट इज ना तुम दिखाई कि दिजन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैं तुम दिजन एरिया क्रॉस सेक्शन सामान अच्छे तेल आम कौन लिखिपर स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन बी स्क्वायर गोटे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन पाया स्क्वायर तो वी कैन राइट दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू पाया स्क्वायर तेल बी फोर जगह आम कौन पकई पार दैट इज थ्री पाए आर फोर्थ बी फोर जगह आम पकई पार बेसिकली पाए स्क्वायर आर फोर्थ सो आर फोर्थ कैनसल आउट तो पाए पाए गोटे कैनसल आउ तो बेसिकली आंसर आस थ्री बाय पाए दैट इज थ्री इज टू पाए सो आउट ऑफ द ऑप्शंस तुमर ऑप्शन बीटा आस फाइनल रेशियो ऑफ द डिप्रेशन ऑफ बीम ए एंड बीम ए अंडर इक्वल लोडिंग कंडीशन विल बी थ्री इज टू पाए सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन पाइप इज मोर म्यूजिकल तो बेसिकली तुमर कोचे ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नाइदर ओपन नॉट क्लोज्ड बोथ ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बेसिकली तुमर ओपन ऑर्गन पाइप रे तुमर कौन था ना जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टा था फॉर एन मान ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस दैन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिते अधिक हम तार म्यूजिक नोटा से बहुत भल आस तो तुम जो तुम देख ओपन वाला केस रहा कौन तुम ओपन वाला सिनेरियो हेलो ओपन वाला केस रे गोटे जो तुम ये जो पोर्सन टा नौ कहते लाम्ब्रा बाय फोर यहाँ भी आ गए लाम्ब्रा बाय फोर तो टू इंटु लाम्ब्रा बाय फोर बेसिकली हुए तुम टोटाल एंथ एल तो ये लाम्ब्राटा कौन आसे ओपन पर टूएल
frequency, fundamental frequency basically, tamara V by lambda, that is V by 12. But tamara jodi closed pai naba, gote side tamara jodi bhi closed korcho, to sei case tamara empty asibo. Acha, eta empty aschu. Eight ame nei jauche. Hala, epot nai, epot kichi korani. Ei jae tamara jodi closing korcho, to ei case kon asibo? Na lambda by 4 equal to L. So lambda equal to basically 4L or frequency equal to V by 4L. So you can see that basically basically eta kon ascha hochi na tamara fundamental eta la tamara open pai, okay, epota tamara closed pai. So closed ra fundamental frequency ta tamara 1 by 2 mane 1 by 2 of open organ pipe. So basically open organ pipe ra fundamental frequency ta adhika than the closed organ pipe. So jar fundamental frequency jete adhiko asibo taro music ro note sete better asibo. So out of the option, open organ pipe is the correct answer. So option A is correct. Next is two waves of wavelength 55 cm and 55.5 cm produces 5 beats per second in a gaseous medium. Which of the following closely resembles the velocity of sound in the medium? So basically our option ta mate tike doubtful lagila mu jaha bhi kari thili solve. So basically yaad hi option ta tike bhul thila bhalia lagila. So let us check konta asuchi amara. So eta mu deichi basically tamara frequency gote ra wavelength deichi 55 cm aur 55.5 cm asi deichi produces 5 beats per second. So frequency difference ta deichi tam 5 beats per second. So ame likhi padba new 1 minus new 2 equal to 5. So new jagar am pokai deba, let's say velocity of sound b by lambda 1 minus b by lambda 2 equal to 5. B ko ame jodi common nei jiba 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2 equal to 5. Okay, so b 1 by lambda jagar pokai pariba lambda 1 deichi 55 cm ame taku pokai pariba, that is 55 into 10 to the power minus 2 minus epota kete hoi jibo 55.5 into 10 to the power minus 2 equal to 5. Je tang further tame solve karibo jodi 1 by 10 to the power minus 2 ko prove nei jibo 100 by 55 karibo to sei case ta tamara asibo 1.818. solve kala pare 8 case 10 to the power minus 2 prove nei gale 100 of 5 55 ro 10 aure prove jibo 1000 by 555 ta hei jibo tamara kete na 1.801. मतलब इंटरडेसिमल चाहिए नहीं चाहिए. दैट शुड बी इक्वल टू 5. तो ये भी जब तुम्हें सॉल्व कर दो, भी सम सिंपली आसे जीबो कहते हैं. ये जब तुम्हें सॉल्व कर दो 0.008 इक्वल टू 5, तो भी आज जो 5 बाय 0.008, ओके. आपको जब तुम सॉल्व कर दो, तो फाइनली मोर आंसर असल अराउंड 625 मीटर पर सेकेंड. ओके, जोटा कि मोर कौन से भी ऑप्शन है मिसलानी. होपफुली आइदर ऑप्शन भूल थाई पारे. ओके, सो या फिर हमें आउथरे बॉल से चेक कर पा हम भी दो तीन थोड़ा ट्राई कर छी. आई थिंक आंसर 625 मीटर पर सेकंड आसन. ओके, ठीक अछि. होपफुली हमें ओवरऑल सब आंसर चेक करले अराउंड ऑलमोस्ट ऑल आंसर की मैच करला एक्सेप्ट ए गोटे हला. ठीक अछि, होपफुली त माने बुझी पाला जे अभी बुझाला आज. ओके, थैंक यू वेरी मच.